वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु नानक जी लालो पास आए, ता मर्दाने आख्या पला जी चलो, ता सुल्तानपुरों विदा होकर चले। सत्तां दिना विच लालो दे घर जाए वड़े, ता लालो अग्गे बैठा किले कड़दा आहा। देखे ता हिक तपा जिहा है, अते गल चोला है सो, अते हिक डुमेटा नाल है सो। लालो अगों उठ खड़ा होया, गुरु नानक कहा बैठ पाई लालो, बैठ के किरत कर। ता लालो बैठ के पुछन लगा गुरु जी महरम नाही, तुसी जाहर करो। गुरु नानक आख्या पाई असी परदेसी आहे, ता फिर लालो आख्या जी परदेसी ता सबो संसार है। ता गुरु नानक कहा पाई लालो तू जानदा है, कोई अजान होवे ता आखिए, जान दे नू क्या आखिए। ता लालो बोलिया करतार दी करतार जाने, पर ओह जो नानक साध प्रगट होया है, मैनू तू ओह नजर आमदा है। फिर गुरु नानक कहा पाई लालो पुछदा क्यों है, ता लालो कहा जी असाडी कच्ची मत है, असी क्या जान दे हां। ता फिर गुरु नानक कहा लालो एह कच्ची मत वालियां दा आखना नहीं। ता फिर पाई लालो कहा जी तू साडा नाऊ क्या है, ता फिर मर्दाना बोलिया पाई लालो इन्हां दा नाऊ नानक निरंकारी है, ते मेरा नाऊ मर्दाना मिरासी है। ता लालो पैरां ते टह पिया, ता गुरु नानक कहा पाई लालो तू साडा असाडा एह बचन आहा। ता फिर लालो कहा अग्गे छेड़नी नहीं, अंदरली अंदर रखनी, जाहर नाही करना। ता गुरु नानक हस्या, ता लालो कहा जी क्यों हस्से। फिर गुरु नानक कहा पाई लालो किथे छिपिया पी रही है, ता छिपी नहीं रहिंदी। ता फिर लालो आख्या जीर जाए तो साडी असी की आखिए। ए कह के लालो रसोई दे आहर होया। फिर मर्दाने गुरु जी नू पुछया जो एह लालो कोई पूर्ण पुरख है, ता गुरु जी कहया ए ओ अते तुसी असी कितने जोग अकठे हुंदे आहे। ता मर्दाने पुछया जी असा सुनया है जो पूर्ण पुरख है, ता गुरु जी कहया मर्दानिया जो अवतार दी पूजा करदे हन पावे केहा भगत होवे ता जन्म आमदा है, अर निर्गुणी होवे अते बादशाह काई चितवे नाही, बिना परमेश्वर थी ता ओह जन्म नहीं आमदा। ता वासना जन्म ले आमदी है जो हिक निरंकार दी वासना करदा है, अते निरंकार विच भेद कोई नहीं जानदा, ता ओह पुरख जन्म नहीं आमदा। अते सुन मर्दाना अवतार दा सिमरन करे, अते काई वासना करे ता भी 84 पोकेगा। मर्दाना ए बचन सत प्रतीत कर जान, अते मर्दाना करतार दे हुक्म नाल असीं ता कई जन्म खेड़ दे आए हां। ता लालो रसोई तैयार करके सद्दन आया, ता लालो कहा गुरु जी प्रसाद तैयार है। ता गुरु नानक कहा पाई लालो एथे ही लियाओ। ता लालो कहा जी एथे चौके विच जेवो। ता गुरु नानक जी कहा पाई लालो जितनी धरती तितना चौंका एथे ही ले आओ। ता ते लालो प्रसाद लेकर अग्गे रखिया, जा मर्दाना देखे ता कोदरे दी रोटी ते सरों दी पिन्नी है। ता मर्दाने गिनती खादी, ता गुरु नानक अंतर जामी आहा। ता गुरु जी मर्दाने नू पुछया क्यों मर्दाना, ता मर्दाने कहा सुख जी। गुरु नानक कहा मर्दाना खावेगा ता आखेगा। ता मर्दाने टुकर पान कर मुंह विच पाया, ते अमृत दा स्वाद आया। ता गुरु नानक कहा मर्दाना देह ता खबर प्रसाद कहा को है। ता मर्दाने कहा जी केडा को स्वाद लमा। ता लालो कहा जी
तू निरंकारी है, तुसा प्रसाद वल्लों देखना नाही, तुसी असाडी वल्लों देखना। ता गुरु नानक कहा पाई लालो जी, कोई अमृत आखीदा है, सो तो प्रसाद विच पाया है। ता पाई लालो मत्था टेकया, आख्योस जी तुद मेनू निहाल कीता, ते मेरी जन्म जन्म दी मैल लाहिया। लालो कहा जी मेनू आज निहाल कीता है। ता मर्दाने नू गुरु नानक कहा, आख मर्दाना किधर चलदा है। ता मर्दाने कहा जी जिधर तो हड्डी खुशी होवे। गुरु नानक कहा मर्दाना तू आखे सोई करिए। मर्दाने कहा जी मैं आख नहीं सकदा, पर जी इस धरती असाडी निंदिया बहुत हुंदी है। फिर गुरु नानक आख्या देख पाई मर्दाना, तीन दिन असी लालो दे कर आहे, ते आत्मा प्रसन्न रहा है। हुण लालो तो विदा लीजे, अते एथे दुखना पौसी, असी फकीर आहे, असा किसे नाल प्रोजन नहीं। जिथे साधु मूर्त है तिथे असाडी रहत है। ता मर्दाने आख्या जी मेरे मन दी बुझिया जिस गली कूचे आए निकले, आहे कोई असानू आख दे हन, जो एह कोई वड्डे शूदर हैं, ते सानू आख दे हन, आए हैं कुराही तेरी तू जान, पर असी ता दुख जांदे आहे। पर बात होई ता गुरु नानक आख्या पाई लालो तेनू करतार चित आवे, तू खुशी कर असी हुण राम दे चम दे खेलियेंगे। ता लालो आख्या गुरु जी असां विच अवग्या क्या पई। ता गुरु नानक जी आख्या पाई लालो तुसां विच अवग्या काई नाही, पर असां पासों संसार दुखदा है। ता लालो कहा जी तुसी परमेश्वर दी जात हो, तुसां पासों क्या कोई दुखेगा, तुसा ने किसे नाल काई सांझ रखी नाही। असाडी सांझ परमेश्वर नाल इके साधा संता नाल है। गुरु नानक कहा लालो तुसी सच आख दे हो, पर लालो संसार विकराल रूप है, अपनिया पावदियां करदा है, पाणा मन दे नाही। ता फिर लालो कहा जी तुसी अंदर बैठे रहो, जेहा रुखा अलूना टुकड़ा है तेहा तुहाडे अगे है। बाबे कहा पाई लालो संसार पासों करतार रखे, ता रहिए हुण असानू विदा दे। ता फिर लालो कहा तुसी कोई दिहाड़ा इहां गुजरान करो। गुरु नानक जी कहा सुन पाई लालो तेरा होंदा कोई नहीं, पर असाथों कोई दुखेगा, असी जानदे आहे, ते मर्दाने दा भी दिल उदास होया है। लालो आख्या जी एक महीना ता जियो रहो। फिर गुरु नानक कहा मर्दाना लालो दा भी कहा मनिए। ता मर्दाने कहा जी भला होवे। लालो पास गुरु नानक टिकया, दोए दिन गुजरे। ता मर्दाने कहा जी तुसी ता महीने टिके हो, मैनू हुक्म करो ता तलवंडियों फेर आवा। ता श्री गुरु नानक कहा मर्दाना तू साडे नाल रहना है, किथे जांदा है। ता मर्दाने कहा जी मैं थोड़े दिना विच फिर आवदा हां। गुरु नानक कहा जा पाई मर्दाना चब आवी। मर्दाना गुरु नानक तो विदा लेकर तलवंडी गया। गुरु नानक दिन जंगल विच कट्टे, अते रात नू लालो पास रहे। जा दिन 15 गुजरे ता मलक पागो हरड़ खत्री सरीन सी, उस ब्रह्म पोज कीता, चारे वर्णा नू न्योता दिता। ब्राह्मणा दी नदरी गुरु नानक वी पिया, ता ब्राह्मण गुरु नानक जी नू कहया मलक ब्रह्म पोज कीता है, सबे नगर दे लोग निवते हन, तू भी आवो। ता श्री गुरु नानक जी आख्या सुनो पांदा असी फकीर आहे, असी किन्ना विच आहे। ता ब्राह्मण कहया तू अगे ही कुराही आखीदा है,
अते जे ब्रह्म भोज विखे ना आयो ता मलक पागो रंज होवीगा। तू जान ता ब्रह्म भोज होया ता नानक जी ना गया। ता ब्राह्मण मलक पास चुगली खादी, जी नानक तपत साडे ब्रह्म भोज विच आयो नहीं। ता मलक ब्राह्मण नु पुछया पांदा, तौ न्योता पाया आहा। ता ब्राह्मण कहया जी मैं बहुत तागीद कीती आही। ता मलक ब्राह्मण नु कहा जा उस ताई साध ले आओ। ता ब्राह्मण लालो दे घर गया। ता ब्राह्मण लालो नु कहा नानक तपा इथे है। लालो आख्या जी आहो इथे है। ता ब्राह्मण कहा लालो बाहर भेज दे। ता गुरु नानक कहा क्यों पांदा। ता ब्राह्मण आख्या तैनु मलक सददा है, मलक पास चल। गुरु नानक कहा पांदा मेरे नाल मलक दा क्या काम है। ब्राह्मण जाए मलक पास दूजी चुगली खादी, देखो मलक जी खत्री दा पुत्र है अर शूद्र दे कार अन्न करदा है। ब्रह्म भोज नु नाऊ रखदा है, तीजे असाडे सदे आमदा नहीं। ता मलक गुस्से होके पंजे नु आख्या जाए के पकड़ ले आओ। ता ब्राह्मण जाए तबिया कीता चल नानक मलक गुस्से होया है। ता गुरु नानक चलिया पिछे लालो रह ना सकिया। ता लालो पिछों गया ता पंजे ब्राह्मण जाए मलक पागो नु आख्या जी नानक तपा आया है। ता मलक कहया पंजा अंदर ले आओ। पंजे ब्राह्मण गुरु नानक नु अंदर सद्या। ता गुरु नानक जी अंदर गया ते जाए के आख्या क्यों मलक मैनू क्यों सद्या। ता मलक कहा क्यों तपा तू ब्रह्म भोज विच क्यों ना आयो। ता गुरु नानक जी कहया सुन मलक असी फकीर आहे जिथे गुजरी ते थाऊ गुजरी। मलक गुस्से होके आख्या तपा नावर खावना ते शूद्र तरखान दे अन खावना ते ब्रह्म भोज ते ना आवना तो क्या समझिए। ता गुरु नानक जी कहया मलक कुछ हुन खवाइंदा है। ता मलक कहया आओ पंजा इस तपे नु कुछ आन खवाए जा श्री गुरु नानक जी पिछे देखे। ता लालो खड़ा है। गुरु नानक जी कहया लालो तू पी ले आओ। लालो दौड़िया घर आया खन्नी रोटी कौदरे दी ले गया। उधरों पंजा ब्राह्मण लुच्ची कचौरी ले आया। गुरु नानक जी सज्जे हाथ लालो दी कौदरे दी रोटी लीती, खब्बे हाथ लूचियां कचौरियां लीतियां। मलक पागो दियां ता दोवे हाथ चपीड़े, कोदरे दी रोटी विच्चों दुध सिम्या ते लुच्ची कचौरियां विच्चों लहू सिम्या। जितनी मजलस बैठी आही तितनी बिस्माद हो गई। गुरु नानक जी कहया मलक पागो एह ता आदमियां दे लहू दा ब्रह्म भोज कीता है। एहा रोटी असानू खवाइंदा है। ब्रह्म भोज ता लालो दे कर निता प्रति हई। मलक दा चारा कुछ चले नहीं, मन विच बहुतेरा गुस्सा करे। बोलो पाई जी वाहे गुरु।